हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज के वीडियो में मैं ये मेकअप लुक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ आई होप कि आपको अच्छा लगे मैंने इस मेकअप को रक्षाबंधन मेकअप लुक नाम दिया है बट आप किसी भी फेस्टिवल पे किसी भी ड्रेस पे अप्लाई कर सकते हैं एंड किसी भी आउटफिट के साथ ट्राई कर सकते हैं और ये आपको कभी भी फेल आउट नहीं करेगा तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि मैंने कैसे इस लुक को अचीव किया है लेट्स गेट स्टार्ट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम टेकिंग दिस बायोटिक मॉर्निंग निक्टर फेसियल सिरम और इसे अच्छे से अपने फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी पहले एंड देन अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ये ब्लेंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता और अच्छे से अब्जॉर्व हो जाता है देन मैं ये सनस्क्रीन ले रही हूँ फ्रॉम लैक में और ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है और आपको सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए वेदर यू आर गोइंग आउट और नॉट सनस्क्रीन आपके स्किन एजिंग को और स्किन डैमेज को काफ़ी हद तक रोकता है देन मैं लिप लिबम लगा रही हूँ फ्रॉम ब्लू हेवन इट्स अ लिप बॉम एंड इट इज़ रियली अ बॉम देन मैं ये फर्स्ट बेस प्राइमर ऑयल ले रही हूँ फ्रॉम स्टेक वर्क की आज मेरा थोड़ा डूई एंड ग्लोई मेकअप करने का मन था इसलिए मैं ये प्राइमर ऑयल ले रही हूँ और ये प्राइमर ऑयल बेस्ट है लाइक ड्राई स्किन के लिए एंड ऑयली uh, स्किन का के लिए भी ये बहुत अच्छा है अगर आप ग्लोई मेकअप करना चाहते हो तो इस प्राइमर ऑयल को ज़रूर ट्राई करें दिस इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी अफोर्डेबल मेकअप प्राइमर ऑयल and it gives a very luminous finish as you can see then mai le rahi hu ny bake ka ye foundation stick in the shade number 3 and ise acche se pure face pe apply kar lungi देन मैं ये beauty blender ले रही हूँ मेकअप को blend करने के लिए because जब भी आप ग्लोई मेकअप चाहते हो या फिर डूई मेकअप चाहते हो तो यू शुड ऑलवेज गो विद अ ब्यूटी ब्लेंडर क्योंकि ब्रश से थोड़ा मैट लुक आता है एंड काफ़ी अप लुक आता है जबकि अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हो तो मेकअप काफ़ी हद तक नेचुरल लगता है तो आई एम गोइंग विद अ ब्यूटी ब्लेंडर टुडे और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और ये प्राइमर ऑयल लगाने की वजह से काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो रहा था मेरा फाउंडेशन स्टिक अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं ले रही हूँ वेटर्न ऑयल का कंसीलर और ऐसे अपने यूजल एरियाज़ पे लाइक अंडर आइज़ पे ब्रिज ऑफ द नोज पे फोरहेड पे चिन पे माउथ के अराउंड एंड अपने कटिंग एरियाज़ पे एंड आईलिट्स पे अच्छे से लगा के एंड देन अगेन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी एंड ब्लेंड 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 कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो गया है और अब है बारी कंसीलर और फाउंडेशन को सेट करने की जिसके लिए मैं ले रही हूँ ये एन वाई बी का कॉम्पैक्ट और ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है इसके साथ जो क्वेश्चन मिला है वो भी काफ़ी अच्छा है और ये कॉम्पैक्ट है विद एस पी एफ फोटी दैट साउंडस वेरी नाइस सो इसे मैं अच्छे से पूरे फेस को और पूरे नेक को अच्छे से सेट कर दूंगी फेस को अच्छे से सेट करने के बाद मैं ये वेटन वाइल का रोजेंदर पैलेट ले रही हूँ और इसे ब्राउन सेट पिक करके अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूंगी आईब्रोज फिलअप करने के बाद आप डिफरेंस खुद देख सकते हैं तो जब भी आप मेकअप करें अपने आईब्रोज को फिल करना बिल्कुल ना भूलें देन मैं ये ब्यूटी ग्लेज की कलर फ्यूजन पैलेट से डार्क येलो शेड लेके लाइक मस्टर्ड शेड लेके अपने क्रीज़ लाइन में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और एक क्रीज़ लाइन क्रिएट करूँगी और उसे एक प्लफी ब्रश से ब्लेंड करूँगी बिकॉज़ इससे कलर अच्छे से ब्लेंड होता है देन मैं कंसीलर लूँगी लाइक मैंने जो कंसीलर यूज़ किया था मैं वही कंसीलर ले रही हूँ और अपने पूरे आईलिट पर अच्छे से प्लेस कर दूँगी ब्लेंड कर दूँगी एंड इसके ऊपर मैं येलो शेड लूँगी और इस येलो शेड को एक फ्लैट ब्रश से अच्छे से उस पर प्लेस करूंगी लाइक बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है जस्ट उस पर प्लेस करना है ताकि कलर अच्छे से पॉप आउट हो जाए देन मैं सेम आई शेडो पैलेट से ये शिमरी शेड पिक करूंगी जो येलो शेड में ही है और इसे सेंटर ऑफ द आईलिट में अच्छे से प्लेस करूँगी देन मैं सेम येलो शेड ले रही हूँ जो मैंने आईलिट पे पेस किया था और उसे चारों तरफ अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी देन मैं लाइनर लगा रही हूँ यहाँ पे और ये लाइनर है स्टेकर की का लाइनर और काफ़ी पतली सी विंग ड्रॉ करूँगी लाइक बहुत ही ज़्यादा पतली रखने की कोशिश की है मैंने ताकि मेरी आई थोड़ी बड़ी लगे और उसके बाद मैं लगा लूँगी फॉलसीज पहले मुझे फॉल्सिस लगाने नहीं आती थी बट प्रैक्टिस कर कर के कर कर के किसी तरह मुझे लगानी आ गई हैं और फॉलसी से पूरा लुक ही चेंज हो जाता है दिन में ये ब्रश ले रही हूँ जिसमें येलो शेड लिया था मैंने आईलिट पे लगाया था और उस शेड को मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अच्छे से स्मोक आउट कर लूँगी देन मैं लूँगी लैकमे का आइकॉनिक ब्लैक काजल और इसे अपने आउटर कॉर्नर ऑफ द आइज़ पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी देन मैं कंट्रोल पैलेट ले रही हूँ फ्रॉम द ए डी एस बाम स्टोरी और इसे अपने फेस की कंट्रोलिंग कर लूँगी आज के मेकअप में मैं बहुत ज़्यादा हार्श कंट्रोलिंगिंग नहीं कर रही हूँ बहुत लाइट सा कंट्रोलिंग कर रही हूँ तो सबसे पहले अपने चीक्स को देन अपने जॉ लाइन को देन नोज़ को और नोज़ को भी मैंने काफ़ी लाइट ही रखा है कंट्रोलिंग बहुत हार्श नहीं की है और उसके बाद अपने फोरहेड को कंट्रोल कर लूँगी ब्लश के लिए मैं स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश पैलेट ले रही हूँ और इसमें से लाइट पीच पिंक शेड लेके अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी देन थोड़ा सा नोज पे एंड थोड़ा सा चिन पे हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ एन वाई बे का मिनी आई लिया है इन द शेड क्वीन सेवन और ये अच्छा सा पिंक हाईलाइटर है और बिल्कुल भी चंकी नहीं है बहुत प्यारा सटल सा हाईलाइटर है और इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पे जहाँ जहाँ हाईलाइट किया जाता है इनर कॉर्नर ऑफ द आइज पे और देन अपने ब्रोबोन को भी हाईलाइट कर लूँगी सो so अब हम कर लेते हैं अपने मेकअप को सेट और जिसके लिए मैं ले रही हूँ ये मेकअप फिक्सर फ्रॉम ए डी एस और एक अच्छा सा स्प्रे बाथ लेके ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेकअप अच्छे से लॉक हो जाए और उसके बाद मैं ले रही हूँ ये, ये येलो लिपस्टिक थोड़ा सा यूनिक लुक के लिए मैं ट्राई करना चाह रही थी सो so, ये है येलो लिपस्टिक और इसमें मेरा लुक काफ़ी अजीब सा लग रहा है और देन मैं पहन रही हूँ ईयर आई एम नॉट अ नेक पर्सन तो मैं नेकलेस नहीं पहनती हूँ ज़्यादातर सो so, ये मेरा येलो लुक रेडी है विद येलो नेल पेंट देन मैं ले रही हूँ लिक्विड लिपस्टिक फ्रॉम द ब्रांड डार्लिंग एसाबेला बेला एंड दिस इज शेड नंबर फोर और ये काफ़ी मरूनिश रेड शेड है और इसे लगाने के बाद आई वॉज नॉट दैट सेटिस्फाइड विद द कलर सो मैंने इसके ऊपर एक और कलर लगाया था जो है वेटन वाइल्ड का शेड नंबर गिव मी मोका नॉट शेड नंबर इट्स अ शेड नेम गिव मी मोका और इसे लगाने के बाद इट वॉज़ अ बॉम कलर एंड माई लुक इज़ रेडी नाउ तो ये था मेरा मेकअप लुक अगर आपको पसंद आया हो तो यू you नो know आपको वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल बटन को हिट कर देना है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो